चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट। हम आपको दो वीडियो देंगे यहाँ पे, एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। सबसे पहले हम एल्कली मेटल पे एक वीडियो शूट करेंगे, आपको हम क्रैश कोर्स टाइप का ये कराएंगे। इसमें बहुत डिटेलिंग नहीं करेंगे, बट जितने क्वेश्चन मैक्सिमम जे मेंस या नीट ने पूछा जाता है, वो आपके इस वीडियो को देखने के बाद एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जैसे थ्री सेंटर, टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग, इस सब पे मैं आपको डिटेल में वीडियो बाद में दूंगा। अभी मैं क्रैश कोर्स टाइप का ले रहा हूँ कि एल्कली मेटल में आपको इतनी चीजें तो जरूर पढ़नी है, इतना आपको पढ़ के ही जाना है। तो देखिए, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला सेक्शन में लेता हूँ एल्कली मेटल का। आज एल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये एलिमेंट्स होते हैं। लिथियम बारे में कुछ बातें आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि इसको स्कैवेंजर इन मेटलर्जी में यूज करते हैं, इन मेटलर्जी में जो अनवांटेड वेस्ट वगैरह होते हैं उसको निकालने में लिथियम का यूज किया जाता है। लाइटेस्ट मेटल है लिथियम, कॉन्गनर की तरह यूज करते हैं। कॉन्गनर का मतलब इसका बिहेवियर एनोमलस होता है, यानी अपने ग्रुप के सारे एलिमेंट से इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, इसलिए कॉन्गनर बोलते हैं। और लिथियम का डायगनल रिलेशनशिप होता है मैग्नीशियम के साथ। अब कौन कौन से बिहेवियर एनोमलस बिहेवियर, बहुत सारे, बट आपको याद कितने रखने हैं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखिए। लिथियम एकमात्र एल्कली मेटल है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है, बाकी रेस्ट ऑफ द एल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। लिथियम नॉट फॉर्म एलम, लिथियम एलम नहीं बनाता। लिथियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो एग्जिस्ट करता है एक्वस फॉर्म में, बाकी जितने भी बाइकार्बोनेट होते हैं सब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिथियम के जो हैलाइड्स होते हैं वो भी हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे LiCl.2H2O, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं, जितने भी एल्कली मेटल हैं सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं, बट लिथियम एकमात्र है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाता, क्योंकि उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, फ्लेम टेस्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फ्लेम कलर में कौन सा टेस्ट देता है। बिल्कुल याद रखेंगे, लिथियम क्रिम्सन रेड देता है, सोडियम गोल्डन येलो कलर से देता है, पोटेशियम वायलेट, रुबिडियम रेड, सीजियम ब्लू कलर का फ्लेम टेस्ट देता है। याद कैसे रखेंगे, लिथियम के लिए LI से आप याद रखिए लिपस्टिक किस कलर की होती है, रेड, तो लिथियम का कलर क्या हो गया फ्लेम टेस्ट में, क्रिम्सन रेड। सोडियम को याद कर सकते हैं, सन का कलर क्या होता है, येलो, तो सोडियम हो गया गोल्डन येलो। पोटेशियम, इसको KV केंद्रीय विद्यालय, तो पोटेशियम V का मतलब वायलेट, RB तो खुद ही बता रहा है रेड। और सीजियम C याद रखिए, सी किस कलर का होता है, ब्लू, तो सीजियम का फ्लेम टेस्ट होता है ब्लू कलर का। डेंसिटी की बात करें बेटा, टॉप टू ऑर्डर चलने पर इन एलिमेंट्स की डेंसिटी इंक्रीज करती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो मास डोमिनेट करता है, इसलिए मास बढ़ने से, एटॉमिक मास बढ़ने से इनकी डेंसिटी बढ़ती है। टॉप ऑर्डर चलने पर एल्कली मेटल की डेंसिटी इंक्रीज करती है, तो ऑर्डर तो ये होना चाहिए, बट थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। नॉर्मली यहाँ पे आप सोडियम और पोटेशियम आप फ्लिप देखोगे, पोटेशियम की डेंसिटी कम और सोडियम की ज्यादा हो जाती है। तो आपको इसका ट्रिक बताऊं, आप याद रखिए, नाक से, ना का मतलब Na, का मतलब सोडियम, तो आप देखिए नाक याद रखोगे तो NaK नाक हो गया आपका। अब इसी को बस फ्लिप मार दीजिए डेंसिटी में, ठीक है, नाक को, तो ये याद हो गया डेंसिटी आपका। आयनिक मोबिलिटी की बात करूं तो गैस फेज में जो आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर होता है बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जो छोटा आयन होगा वो बहुत तेजी से मूव करेगा। तो आप देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबसे छोटा कौन है, सोडियम, लिथियम, तो इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो जिसका साइज छोटा उसकी आयनिक मोबिलिटी फास्ट, बट ये ऑर्डर होगा गैस फेज में। एक्वस फेज में जस्ट रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, जो सबसे छोटा आयन होगा वो सबसे धीरे मूव करेगा पानी के अंदर, क्योंकि आपको पता है पानी के अंदर क्या होता है, हाइड्रेशन हो जाता है, तो जो सबसे छोटा आयन होगा उसकी उस पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी काफी ज्यादा होगी, तो ये मैक्सिमम वाटर के डाइपोल को अपने चारों तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ओ नेगेटिव पोल को अपने चारों तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जितना छोटा कैटायन होगा उसके चारों तरफ उतने ज्यादा वाटर का नेगेटिव पोल अट्रैक्ट होगा, तो जितना ज्यादा वाटर अट्रैक्ट हो जाएगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन हो जाएगा, तो ये जो आयन होगा वो मोटापे का शिकार हो जाएगा, इसलिए आगे भाग नहीं पाएगा। इसलिए एक्वस में जितना छोटा आयन होगा उसको मूव करना उतना मुश्किल होता है, जितना बड़ा आयन होगा उसको मूव करना उतना आसान होता है, तो ध्यान रखिए ऑर्डर चेंज हो गया। लिथियम इज द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि व्हाई लिथियम इज द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसका आंसर जो आपको टिक मारना होगा, ड्यू टू हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब बात करते हैं इनकी रिएक्टिविटी विद एयर। जैसे ही बेटा एल्कली मेटल जो एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इनका जो ये डल हो जाते हैं, इनका कलर जो होता है वो डल हो जाता है। तो बोलते हैं इनका कलर डल क्यों होता है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट का इनकी सरफेस पे कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस प्रोसेस को सरफेस ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभी क्या होता है सरफेस ऑक्सीडेशन, मैं आपको समझाता हूं।
बस अभी याद रखिए, जब भी इनके मेटल एयर के कांटेक्ट में आते हैं इनका कलर क्या होता है, डल हो जाता है। क्या होता है बेटा, एयर में ऑक्सीजन भी होती है, वाटर भी होता है, CO2 भी है। तो जब ये मेटल एयर के कांटेक्ट में आते हैं, पहले ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड उस एयर में प्रेजेंट वाटर मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, LiOH, NaOH, KOH, और वो हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करके Na2CO3, K2CO3, ये सब इनके कार्बोनेट बनाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सरफेस ऑक्सीडेशन, जिससे इनका कलर डल हो जाता है। तो इसीलिए इनको हम डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में लाते ही नहीं है, इनको सेफ रखने के लिए हम एल्कली मेटल को केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम को हम पैराफिन वैक्स में स्टोर करते हैं, क्योंकि लिथियम क्या होता है बेटा, केरोसिन में क्यों स्टोर नहीं कर पाते, क्योंकि लिथियम की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो क्या होता है, केरोसिन पे वो फ्लोट करता है, तो अगर फ्लोट करेगा तो उसका कुछ पार्ट तो एयर में रहेगा, तो उसका कलर डल हो जाएगा, इसलिए उसको पैराफिन वैक्स में स्टोर करते हैं। फिर आता है एयर के साथ इनकी रिएक्शन। तो देखिए, ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन, लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाता है, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो परऑक्साइड बनाता है, और बाकी जो पोटेशियम रुबिडियम सीजियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड और पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। और सबका मैं टाइप भी लिख दिया हूं किस टाइप का बनता है, अब इसको भी याद कर सकते हो आप, ओपी सर तीन के बराबर का मतलब, ओ का मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑक्साइड, पी का मतलब सेकंड एलिमेंट परऑक्साइड, सर का मतलब क्या हो गया आपका, सुपर ऑक्साइड, तीन लास्ट के तीन सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम परऑक्साइड बनाएगा, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि ऑक्साइड जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक मतलब इनके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। परऑक्साइड भी डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे आप। एक क्वेश्चन यहां से और पूछते हैं कि जो KO2 होता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसको हम यूज करते हैं सब मरीन में फॉर अ ब्रीदिंग पर्पज, क्यों, क्योंकि जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, इसलिए हम सबमरीन में इसको यूज करते हैं। फिर आते हैं बेटा इन ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है। तो देखो, चाहे ऑक्साइड हो, चाहे सुपर ऑक्साइड हो, चाहे परऑक्साइड हो, ऑक्साइड परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, ये अपने रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड तो बनाएंगे, और इनके हाइड्रोक्साइड किस टाइप के होते हैं, MOH टाइप के, LiOH, NaOH, KOH, तो ये तो बनाएंगे। तो ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस से केवल हाइड्रोक्साइड बनता है। देखिए, परऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में H2O2 बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और पोटेशियम जब सुपर ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, H2O2 बनेगा, साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगा। तो यहां से ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां से आपको इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर पूछते हैं कि परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्साइड में कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बहुत ध्यान से देखिए, परऑक्साइड की जब हाइड्रोलिसिस हुई तो NaOH बना, साथ ही साथ H2O2 बना, जो खुद में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन जब सुपर ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस हुई तो क्या बना, H2O2 बना, साथ में ऑक्सीजन बना, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां दो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहे हैं, इसलिए सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सुपर ऑक्साइड, फिर परऑक्साइड, फिर ऑक्साइड। अब आता है बेटा अगला इनका रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब एल्कली मेटल बेटा लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आपसे यहां से तीन से चार क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन किस वजह से होता है, ठीक है। तो आप देखिए, यहां पे क्या है आपका मेटल, बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई भी जो डी ब्लॉक का बेटा मेटल होगा वो क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके M+ बनाएगा, और जब ये लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया में NH बॉन्ड होगा, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड पोलर होगा, नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो जैसे ही ये मेटल लिक्विड अमोनियम आएगा, मेटल अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कैटायन बनाएगा। अब इस M+ को चारों तरफ से अमोनिया का जो निगेटिव पोल है वो क्या करेगा, इसको सराउंड कर लेगा, M+ को अमोनिया का निगेटिव पोल क्या करेगा, सराउंड कर लेगा, यानी M+ को, इस कैटायन को चारों तरफ से अमोनिया घेर लिया, तो क्या बन गया, अमोनिएटेड कैटायन। और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया मेटल, अब उसको क्या, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, तो इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ अमोनिया का पॉजिटिव पोल आ जाएगा, यानी अमोनिया इस इलेक्ट्रॉन को भी चारों तरफ से अपने पॉजिटिव पोल से घेर लेगा, तो इसको बोलेंगे हम अमोनिएटेड एनायन। तो क्या होता है, जब मेटल को हम अमोनिया में डालते हैं तो अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड एनायन, या इसको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, और इसी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण इनका जो सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का होता है। तो यहां तीन चार बातें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको याद रखनी है, क्या इसका कलर ब्लू होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं और बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण। तो क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है, कलर इनका ब्लू होता है,
गुड कंडक्टर होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेव करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन अमोन। तभी याद करिए आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने रिडक्शन जब पढ़ा होगा तो आपने एल्कीन एल्काइन एल्काइन का सोडियम इन लिक्विड अमोनिया आपने रिडक्शन भी पढ़ा होगा जिसको हम बिर्च रिडक्शन बोलते हैं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करते हैं। अब यहाँ देखो जब बेटा मैंने जो यहाँ पे अमोनिया लिया था ना वो डाइल्यूट लिया था, अगर मैं यही अमोनिया कंसेंट्रेटेड ले लूँ तो यहाँ दो चेंजेज आते हैं, जो ब्लू कलर है वो ब्राउन में चेंज हो जाता है और जो इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर था सॉल्यूशन का वो डायामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है। ध्यान रखिएगा अगर अमोनिया कंसेंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो जो लिक्विड अमोनिया का सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है ब्राउन में चेंज होगा और पैरामैग्नेटिक कलर पैरामैग्नेटिक जो है वो डायामैग्नेटिक में चेंज हो जाएगा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन जो यहां से पूछा है कि अगर मैं लिक्विड अमोनिया की जगह ड्राई अमोनिया गैस यूज करूं तब क्या बनेगा, तो देखो अगर एल्कली मेटल का रिएक्शन मैं ड्राई अमोनिया से कराऊंगा तो हाइड्रोजन गैस और अमाइड बनता है। आपको पता है NH2 को हम अमाइड बोलते हैं, NH को इमाइड बोलते हैं, तो कोई भी एल्कली मेटल जब ड्राई अमोनिया से रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और अमाइड बनाएगा, लेकिन जब वो लिथियम एक्सेप्शन है, लिथियम जब ड्राई अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो इमाइड बनाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इनके कंपाउंड्स में, सबसे पहले हाइड्राइड्स की बात कर लेते हैं। देखिए जब ये एल्कली मेटल हाइड्राइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो MH टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, जिसपे हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। यानी एकमात्र यही ऐसे कंपाउंड होते हैं हाइड्राइड जहां हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तभी देखिए इस मेटल को जीरो से ये कहां ले गया, प्लस वन में, तो हाइड्रोजन ने इस मेटल को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो हाइड्रोजन यहां पे क्या है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मोस्टली हाइड्रोजन होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, बट इन हाइड्राइड जहां एच पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहां पे हाइड्रोजन क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और ये जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं बेटा ये क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। जब इन हाइड्राइड की हम बेटा हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो अपने रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और हाइड्रोजन गैस कहां रिलीज होती है, एनोड पे रिलीज होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी हाइड्राइड की इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हाइड्रोजन गैस एनोड पे रिलीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर बताऊं, देखो कोई भी कंपाउंड बेटा तो थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है मोस्टली आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आयनिक नेचर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन एक्सेप्ट हाइड्राइड्स, हाइड्राइड और ऑक्साइड्स में। तो आप इधर देखिए यहां पे क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मली फर्स्ट ग्रुप की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनिक नेचर की होती है। जितना ज्यादा आयनिक नेचर होगा उतनी ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा कंपाउंड, एक्सेप्ट हाइड्राइड। हाइड्राइड में उल्टा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये हाइड्राइड्स हैं। अब देखिए टॉप टू बॉटम चलने पे आपको पता है साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो कैटायन का साइज बढ़ेगा। आपको पता है आयनिक नेचर जो होता है ना, आयनिक नेचर के लिए एक बात याद रखिए, मैंने यहां लिख दिया आयनिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटायन साइज। अगर कैटायन का साइज बड़ा है तो आयनिक नेचर ज्यादा होगी, और अगर आयनिक नेचर ज्यादा होगी तो वाटर में सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। भाई जो आयनिक होंगे वो पानी में घुलेंगे क्योंकि पानी भी पोलर सॉल्वेंट होता है। तो अगर आयनिक कैरेक्टर आपको देखना है तो जहां कैटायन का साइज बड़ा वहां आयनिक नेचर ज्यादा। तो अब देखिए टॉप टू बॉटम हाइड्राइड्स में हम चल रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम चलने पर कैटायन का साइज बढ़ेगा, सीजियम कैटायन सबसे बड़ा साइज में होगा, तो कैटायन का साइज ज्यादा तो आयनिक नेचर ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। बट यहां पे देखिए आयनिक नेचर बढ़ रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही, क्योंकि एक्सेप्शन है कि हाइड्राइड्स में जो होता है थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, बाकी सब जगह होता है। अगला देखिए ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, तो देखिए चाहे मैं लिथियम ऑक्साइड से लेकर सीजियम तक चलूं और लिथियम हाइड्रोक्साइड से सीजियम हाइड्रोक्साइड तक, तो इनका थर्मल स्टेबिलिटी आपको वो तीन ही क्वेश्चन पूछेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी, आयनिक नेचर का ऑर्डर, यही सब क्वेश्चन यहां से पूछते हैं। देखिए लिथियम टू सीजियम कैटायन का साइज बढ़ेगा, यानी साइज बढ़ेगा तो आयनिक नेचर बढ़ेगा, आयनिक नेचर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेप्शन केवल हाइड्राइड्स में होता है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा अगर आयनिक नेचर बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम चलने पर तो वाटर में सॉल्युबिलिटी भी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड की टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होगी। ध्यान रखना वाटर सॉल्युबिलिटी भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर, अगर आयनिक नेचर ज्यादा तो वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा। चलिए अब यहां पे एक बात मैं और आपको बता दूं, टॉप टू बॉटम चलने पर बेटा इनका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड बेटा बेसिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं। तो आप खुद बताइए जो सीजियम हाइड्रोक्साइड होगा ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, जब बॉन्ड लेंथ भाई साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो ये बॉन्ड टूटना आसान होगा, OH माइनस बड़े आसानी से रिलीज हो जाएगा, जो आसानी से OH माइनस देंगे बहुत अच्छे बेस होंगे। तो टॉप टू बॉटम चलने पर फर्स्ट एक हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, यहां लिख दिया बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। चलिए नाइट्रेट्स और सल्फेट में सेम फिनोमिना काम करेगा, नाइट्रेट्स और सल्फेट में भी क्या होगा कि अगर हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो बेटा क्या होगा, साइज बढ़ेगा कैटायन का, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा आयनिक नेचर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और आयनिक नेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी।
कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सेम फॉर्मेट। देखिए लिथियम कार्बोनेट से हम सीजियम कार्बोनेट तक चलें तो टॉप टू देखो क्वेश्चन यही तीन है यहां से, चाहे हाइड्राइड हो, चाहे ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, नाइट्रेट हो, सल्फेट हो, कार्बोनेट हो, क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे। थर्मल स्टेबिलिटी, आयनिक नेचर, वाटर सॉल्युबिलिटी, यही मेन क्वेश्चन होते हैं। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, तो लिथियम कार्बोनेट से हम सीजियम कार्बोनेट चले तो टॉप टू रन चलने पर कैटायन का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयनिक नेचर बढ़ेगा, भाई कैटायन का साइज ज्यादा तो आयनिक नेचर ज्यादा, आयनिक नेचर ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा और आयनिक नेचर ज्यादा तो वाटर सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब इनके आ जाते हैं बेटा जरा हाइलाइट्स, यहां थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, यहां थोड़ा अजीब है। हाइलाइट्स के केस में क्या होता है, आप डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते आयनिक नेचर ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। आपको हाइलाइट्स में दो केस बनते हैं, या तो आपको क्या करना होगा, या तो आपको हैलोजन वेरी करेगा मेटल सेम रखेगा, या मेटल वेरी करेगा हैलोजन सेम रखेगा। जब हैलोजन वेरी करे तो आपको लैटिस एनर्जी से आपको थर्मल स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी सब बताना पड़ेगा, और अगर मेटल वेरी करे तो आयनिक नेचर से ही आपको सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट सब बताना होगा। तो आपको पता है लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, ठीक है, लैटिस एनर्जी इनवर्सली टू साइज। तो अब देखिए मैंने क्या बोला, अगर हैलोजन वेरी करेगा तो लैटिस एनर्जी से आपको थर्मल स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी सबका आपको आंसर देना पड़ेगा। चलो पहले थर्मल स्टेबिलिटी का देखते हैं। हमने लिया मेटल फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मान लिया एल आई एफ, ठीक है, हमने ले लिया, मान लिया मेटल सेम रखा एन ए एफ, एन ए सी एल, एन ए बी आर, एन ए आई। तो देखिए यहां मेटल सेम है, हैलोजन चेंज हो रहा है पहला वाला, तो अगर हैलोजन वेरी करेगा तो मुझे लैटिस एनर्जी कंपैरिजन करना पड़ेगा, और आपको पता है लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और टॉप टू बॉटम साइज चलने पर हैलोजन का साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी। देखो साइज बढ़ा है हैलोजन का तो लैटिस एनर्जी कम होगी, लैटिस एनर्जी कम होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी क्या है आपका, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो आपको उस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लैटिस एनर्जी कम है तो वो बॉन्ड आसानी से थोड़ी भी हीट देने पर टूट जाएगा। तो साइज ज्यादा तो लैटिस एनर्जी कम, लैटिस एनर्जी कम तो क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी कम। अब अगला केस देखिए एल आई सी एल, एन ए सी एल, के सी एल, आर बी सी एल और सी एस सी एल। तो यहां पे देखिए अब की बार हमने मेटल डिफरेंट किया है, मेटल डिफरेंट किया है, हैलोजन सेम रखा है, ये वाला केस बना दिया। अब आपको लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर, तो आपको पता है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सी एल टॉप टू टॉप चलने पर क्या हो रहा है बेटा, साइज बढ़ रहा है कैटायन का, तो आयनिक नेचर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। और यहां पे एक क्वेश्चन पूछते हैं केसीएल की थर्मल स्टेबिलिटी बेटा जो होती है वो मैक्सिमम होती है क्योंकि इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन काफी ज्यादा होता है। मैं डायरेक्ट इस समय सिर्फ क्वेश्चन पे अटैक कर रहा हूं, क्वेश्चन नीट और जेईई पूछते क्या है, ठीक है, बात करने पे आऊंगा तो बहुत डिटेल में बात हो सकती है थर्मल स्टेबिलिटी पे, बट अभी मैं आपको सिर्फ क्रैश कोर्स टाइप का करा रहा हूं, फटाफट आपको क्वेश्चन निकलने चाहिए। सॉल्युबिलिटी की बात करूं हैलाइट्स के लिए सेम फॉर्मेट, देखिए मेटल सेम है, हैलोजन डिफरेंट है, तो अगर हैलोजन डिफरेंट कर रहा है तो हम क्या देखेंगे, लैटिस एनर्जी, तो हैलोजन का साइज टॉप टोटन चलने पर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, क्योंकि अगर लैटिस एनर्जी कम है तो वाटर जो है उस कंपाउंड को आसानी से उसकी हाइड्रोलिसिस कर पाएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होता है। अगर लैटिस, क्योंकि हमने एक कंसेप्ट भी पढ़ाया था केमिकल बॉन्ड, जिसने भी मुझसे पढ़ा है कि अगर लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन हाइड्रेशन होती है तो कभी भी कंपाउंड पानी में डिजोल्व नहीं होता, इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन लैटिस एनर्जी तो कंपाउंड पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं साइज बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी कम हो रही है, तो लैटिस एनर्जी कम है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अगला केस देखिए, यहां हमने क्या किया, एल आई सी एल, एन ए सी एल, के सी एल, आर बी सी एल, मेटल डिफरेंट किया, हैलोजन सेम रखा, तो अब आयनिक नेचर डिसाइड करेगी सॉल्युबिलिटी को, साइज बढ़ेगा कैटायन का तो आयनिक नेचर बढ़ेगा, वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, लिथियम क्लोराइड ऑल्सो डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्ट, जबकि ये पोलर कंपाउंड है, नॉर्मली आयनिक डिजोल्व लाइक डिजोल्व लाइक थ्री होता है, आयनिक कंपाउंड आयनिक में ही घुलते हैं, बट एक्सेप्शन है बेटा ध्यान रखना, लिथियम क्लोराइड एकमात्र एल्कली मेटल का क्लोराइड है जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी डिजोल्व हो जाता है। अब इसके कुछ फटाफट इंपॉर्टेंट कंपाउंड देख लेते हैं एल्कली मेटल के। पहला वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। सबसे पहला क्वेश्चन, इसको वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। जितने बात मैं बताऊंगा बस डायरेक्ट आप इसको याद कर लो, बस कि डायरेक्ट पूछते हैं सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, तो वॉशिंग सोडा के लिए यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला याद रखेंगे। अब सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस का रॉ मटेरियल क्या है, यानी वॉशिंग सोडा बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं, तीन रॉ मटेरियल यूज करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीन रॉ मटेरियल सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस का। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि रॉ मटेरियल कौन कौन सा होता है। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर CO2 रिलीज हो जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनती है, और इस कैल्शियम ऑक्साइड का अगर मैं वाटर से रिएक्शन करता हूं तो CaOH होल ट्वाइस बनता है, और ये जो CO2 और CaOH होल ट्वाइस है, देखना मैं सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में इन दोनों का यूज करूंगा अभी। तो देखो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम NaCl को
NaCl को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। तो NaCl अमोनिया तुमको पता है, तुमको समझ सर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, तो मैंने पहले ही बताया कि ये जो CaCO3 इसको हीट करने पर CA और CO2 बनता है, इसी CO2 को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, और पानी तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि एक्वास मीडियम है, तो बनेगा NH4Cl और सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट बेटा यहाँ प्रेसिपिटेट हो जाता है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि सोडियम बाई कार्बोनेट प्रेसिपिटेट क्यों होता है, तो आप इसका आंसर बोलोगे ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, जबकि पोटेशियम बाई कार्बोनेट प्रेसिपिटेट नहीं होता बिकॉज इसका KSP पोटेशियम बाइकार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट से बेटा ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट क्यों होता है, तो आप आंसर करोगे ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। चलिए ये तो प्रेसिपिटेट हो गया, तो अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको हम हीट करेंगे बेटा, तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर। अब देखो इस CO2 और वाटर को हम फर्स्ट स्टेप में यूज करते हैं, इस CO2 और वाटर को जो यहाँ पे ये बना इसको हीट किया, तो सोडियम कार्बोनेट बना CO2 और वाटर। अब ये CO2 और वाटर हम फर्स्ट स्टेप में यूज करते हैं। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड बचा था, अमोनियम क्लोराइड का हम इस CaOH होल ट्वाइस से रिएक्शन कराते हैं जो CaCO3 यहां से प्रोड्यूस हुआ था। इस भाई अब आप पूछो सर ये कहां से आया, तो मैंने बताया था CaCO3 जो रॉ मटेरियल है, जब इसको हम हीट करते हैं CaO और CO2 बनता है। अब इस CO को जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं CaOH होल ट्वाइस बनता है, तो जो अमोनियम क्लोराइड आया था इसका CaOH होल ट्वाइस से रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। लास्ट आपका आ गया सोडियम बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। कैसे बनाते हैं याद करिए, अभी जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया था तो सोडियम कार्बोनेट CO2 और वाटर बना था, तो अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स लिख दूं तो बाइकार्बोनेट बन जाएगा। जब हम सोडियम कार्बोनेट को CO2 और वाटर से रिएक्शन कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तीसरा कंपाउंड कास्टिक सोडा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए बस दो पॉइंट आप याद रखिएगा, दो से तीन पॉइंट। ये NaCl एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस से बनाया जाता है, ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है, और इलेक्ट्रोलिसिस जिस सेल में होता है उस सेल का नाम है कास्टनर केलेनल सेल होते हैं, जिसमें मर्क्यूरी कैथोड होता है। तो ये आपका मैंने पूरा क्रैश कोर्स करा दिया एल्कली मेटल का, आपको इतने पॉइंट्स तो आपको याद ही रखने हैं, और मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, अगर आपको जरूरत होगी तो ये अपना मैं नोट्स आपको PDF फॉर्म में अपने फेसबुक पेज पे डाल दूंगा अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल पे, ये आपका मैंने एल्कली मेटल, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है जेई मेंस और नीट के लिए। एल्कलाइन अर्थ मेटल में एक वीडियो दूंगा, उसके बाद एक हीटिंग ऑफ सॉल्ट पे दे दूंगा, तो आपका एस ब्लॉक पूरा पक्का हो जाएगा।